नेटफ्लिक्स ने अपनी फिल्म द किंग को रिलीज कर दिया है। इतने महीनों से इस मूवी के पोस्टर और टीजर को देखने के बाद फाइनली हमें ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर 1 नवंबर को देखने को मिली और इस फिल्म को इंडियन व्यूअर्स के लिए हिंदी में भी रिलीज किया गया है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कैसी है ये फिल्म और इस फिल्म को आपको देखना चाहिए या नहीं। द किंग की स्टोरी फॉलो कर रही है इंग्लैंड के किंग हेनरी द फिफ्थ की, कि कैसे उन्होंने अपने फादर के गुजरने के बाद थ्रोन को संभाला। उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया एक शराबी लड़के से एक लीडर में। द किंग मूवी को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि ये गेम ऑफ थ्रोन्स की एक मूवी बना दी गई है। अगर आपको गेम ऑफ थ्रोन्स जैसी सीरीज और मूवीज देखना पसंद है तो आपको ये मूवी काफी अच्छी लगेगी। इस फिल्म के फर्स्ट हाफ में काफी पॉलिटिक्स दिखाई गई है और इस फिल्म के सेकेंड हाफ में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच के बैटल को दिखाया गया है। इंग्लैंड के राजा यानी कि हेनरी, उन्हें किंग बनने का कोई शौक नहीं होता है, लेकिन खराब परिस्थितियों की वजह से उन्हें राजा की ड्यूटी निभानी पड़ती है। इस फिल्म में ये भी दिखाया गया है कि कैसे वो युद्ध ना करके सभी के बीच शांति लाना चाहते हैं और एक नया इंग्लैंड बनाना चाहते हैं। एक तरह से ये हिस्ट्री है इंग्लैंड की जिसके ऊपर मूवी बना दी गई है। बात करें अगर फिल्म के कैरेक्टर्स की तो सभी ने अपने रोल को काफी अच्छे से प्ले किया है। फिल्म में रॉबर्ट पैटिसन भी है जो फ्रांस के राजा का रोल प्ले कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स की इस फिल्म को काफी अच्छे से फिल्माया गया है और खासकर इस फिल्म का बैटल सीन काफी अच्छा है। इस फिल्म का रन टाइम 2 घंटे 20 मिनट है और आपको ये फिल्म एक बार जरूर देखनी चाहिए। अगर आप इस फिल्म को और इंग्लैंड के हिस्ट्री को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स ने अपने चैनल पे इस मूवी को एक्सप्लेन किया है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं। बात करें अगर इस मूवी के रेटिंग की तो IMDB पर इसे 7.4 स्टार दिया गया है और हम इस फिल्म को 4.1 स्टार देंगे। इसी तरह वेब सीरीज और मूवीज से रिलेटेड जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।